आज हम लोग सीखेंगे कैसे बनाए क्रिकेट बैट, वो भी उन वेस्ट मटेरियल को यूज करके जिन वेस्ट मटेरियल को आप कचरा समझ के फेंक देते हैं। और सबसे पहला वेस्ट मटेरियल है ब्रूम स्टिक और दूसरा वेस्ट मटेरियल है कार्डबोर्ड। और दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये बैट को आप यूज करके मॉन्केट की बॉल मतलब सीजन बॉल से भी आप खेल सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं मैं सीजन बॉल और रबड़ की बॉल ये दोनों बॉल को यूज कर खेल रहा हूँ। और दोस्तों मैं ज़्यादा हिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं छत पे खेल रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं लॉकडाउन में कोई अपने बच्चों को साथ में खेलने नहीं दे रहा है और कोई निकल नहीं रहा है, इसलिए मैं छत पे खेल रहा हूँ। लेकिन ये बैट बहुत मजबूत है। सबसे पहले आपको कार्डबोर्ड को कट करना है बैट के शेप में, जितना बड़ा बैट का साइज आपको चाहिए। उसके बाद आपको इसको देखिए कुछ इस तरह से बेंड करना है। बेंड करने के बाद आपको चाहिए ब्रूम स्टिक, और देखिए आपको ये वाले झाड़ू से ब्रूम स्टिक मिलेगा। इस झाड़ू को बोलते हैं फूल झाड़ू, और इसी झाड़ू से आपको जो मैं ब्रूम स्टिक यूज करता वो ब्रूम स्टिक मिलेगा ये वाले पोर्शन से। और देखिए ब्रूम स्टिक कुछ इस तरह का दिखता है। और अब आपको चाहिए फेविकोल, और फेविकोल को आपको अप्लाई करना है कार्डबोर्ड में कुछ इस तरह से। और आपको पूरी तरह से फेविकोल को इस तरह से हाथों से मतलब उंगलियों से आपको कार्डबोर्ड में फैला देनी है। उसके बाद आपको चाहिए ब्रूम स्टिक, और ब्रूम स्टिक को कुछ इस तरह से आपको कार्डबोर्ड में रखते जाना है जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और आपको बड़ा ब्रूम स्टिक अब यूज नहीं करना है, तो छोटा जगह थोड़ा बच गया है तो आपको देखिए ब्रूम स्टिक को कुछ इस तरह से प्लास की मदद से कट करनी है, और जहाँ पे जगह बच रहा है वहाँ छोटा ब्रूम स्टिक अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको वही छोटा ब्रूम स्टिक कुछ इस तरह से भी अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको चाहिए आइसक्रीम की डंडी, और आपको आइसक्रीम की डंडी दोनों ब्रूम स्टिक के बीच में इस तरह से अप्लाई कर देनी है। अब आपको देखिए कार्डबोर्ड को इससे में कट करना, कट करने का एक साइड में फेविकोल लगाना, उसके बाद बैट में कुछ इस तरह से पेस्ट कर देना दोनों साइड में जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए इस साइज का कार्डबोर्ड मतलब आपको चौकोर में कार्डबोर्ड चाहिए। उसके पहले आपको लगाने के पहले कार्डबोर्ड को पहले आपको बेंड करना है कुछ इस तरह से, बैट को बेंड करने का तब आपको लगाना है वो वाला कार्डबोर्ड जो आपने पहले देखा था। देखिए इसको लगाने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आएगा। और अब हमें बनाना है बैट का हैंडल कुछ इस तरह से। सबसे पहले आपको टोटल 6 ब्रूम स्टिक चाहिए, उसमें आपको सद्दी से एक दूसरे से बांधना है। उसके पहले आपको उसको फेविकोल से कुछ इस तरह से जोड़ना है, उसके बाद आपको सद्दी से बांधना है। और सद्दी वही है जिससे हम लोग पतंग उड़ाते हैं जिसको यूज करके। और दोस्तों इस तरह से आपको देखिए गांठ लगा देनी है। अब ये तो बन गया, लेकिन अब आपको चाहिए कार्डबोर्ड इस हैंडल को फिनिश देने के लिए। आपको देखिए कार्डबोर्ड में कुछ इस तरह के कट लगानी है जिससे ये जो कार्डबोर्ड है इजीली बेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको कार्डबोर्ड में लगाना है फेविकोल, और फेविकोल लगाने के बाद आपको इस तरह से ब्रूम स्टिक और कार्डबोर्ड को एक दूसरे से अटैच कर देना है। अब आपको चाहिए वाइट टेप, उससे ये अच्छे से एक दूसरे से पेस्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको वाइट टेप अप्लाई करनी है। और देखिए ये जो आपका बैट का हैंडल है ये बन गया। और अब आपको एक साइड में फेविकोल लगाना है और आपको बैट से अटैच कर देना है। और देखिए ये है बुरादा, आपके पास बुरादा है तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शनल है, लेकिन आपके पास हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा बैट। और अब देखिए आपको कार्डबोर्ड को कुछ इस शेप में कट करना है, उसमें आपको एक साइड में लगाना है फेविकोल, बैट में भी एक साइड में आपको लगाना है फेविकोल। उसका एक दूसरे से आपको कुछ इस तरह से उसको जोड़ देना है, उसके बाद प्रेस करना है अच्छे से मजबूत से जुड़ने के लिए, और जुड़ने का कुछ इस तरह का लगेगा। अब आपको चाहिए पावर ग्लू, इसे कैसे बनाते हैं तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, और इस वीडियो की लिंक दे रही है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अब आपको न्यूज़पेपर में पावर ग्लू लगा के टोटल 4 लेयर से इस बैट को पूरी तरह से ढकनी है। ढकने के बाद आपको उसको रखना है 2 दिन धूप में सूखने के लिए। अब देखिए 2 दिन धूप में सूखने के बाद ये बैट बहुत मजबूत हो चुका है, और देखिए इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है सूखने के बाद। अब आपको बालू कागज लेना है, सैंड पेपर, और उससे आपको इस तरह से बैट को परफेक्ट शेप देना है। और देखिए पूरी तरह से बालू कागज से घसने के बाद इसका देखिए कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और अब हमें इसमें करना है कलर, और देखिए मैं व्हाइट
ऑयल पेंट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऑयल पेंट वाटर प्रूफ होता है, कागज के चीज़ों को भी वाटर प्रूफ कर देता है, इसलिए मैं ऑयल पेंट यूज़ कर रहा हूँ। और आप चाहे अपने मन चाहे रंग से कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं वाइट कलर से कलर कर रहा हूँ। और कलर करने का आपको उसको रखना है 2 दिन सूखने के लिए, लेकिन धूप में नहीं, घर पर नॉर्मल टेम्परेचर पर। और देखिए 2 दिन बाद ये सूख चुका है, और अब हमें सीखना है कैसे बैट में ग्रिप चढ़ाए। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कैसे बैट का ग्रिपर कोन बनाए, तो उस वीडियो को मैं आई बटन में दे दूंगा, आप सीख लीजिएगा। और कैसे बैट में स्टिकर बनाए, मतलब बैट का कैसे स्टिकर बनाए, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। और जैसे हम लोग ने सीख लिया कैसे बनाना है बैट, आपने देखिए परफॉर्मेंस भी देख लिया इस वीडियो के शुरू में भी, अभी भी देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।